उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में वैसे तो तमाम देवी स्थान हैं, लेकिन मां लहड़ा देवी मंदिर का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। महाभारत काल में पांडवों ने इस क्षेत्र में वक्त गुजारा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज मंदिर की पूरी कहानी में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, जिन्हें जानने को हर कोई उत्सुक रहता है। आपको बता दें कि फरेंदा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अदरौना में लहड़ा देवी मंदिर है। ये फरेंदा शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराने समय में ये स्थान आंद्रवन नाम के शगन जंगल से घिरा हुआ था। पवह नदी के तट पर मां वनदेवी दुर्गा का मंदिर है। मान्यता है कि अदरौना देवी के मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास काल में स्वयं अर्जुन ने की थी। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान मां भगवती के आदेश अनुसार अर्जुन ने इस जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना भी की थी। बाद में यही अदरौना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय वनदेवी मां ने स्वयं प्रकट होकर उस युवती की रक्षा की थी। नाविकों को नाव के साथ ही उसी समय जल समाधि दे दी गई थी। आइए जानते हैं प्रसिद्ध शक्ति पीठ लहड़ा मंदिर के पुजारी से उन्हीं की जुबानी। दरबार प्राचीन काल से है, यहाँ पांचों पांडव आकर के मां का पूजन अर्चन किए थे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप मातेश्वरी साक्षात प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहीं। वरदान अर्जुन के द्वारा मांगा गया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें और विश्व का कल्याण करें। माँ ने एवमस्तु कह करके इस स्थान का नाम आद्रवण है और इस आद्रवण नगरी में एक पाषाण के रूप में पूजित हो गई। कालांतर बीतता गया, समय बीतता गया, माँ बीच बीच में चमत्कार करती रहीं। जो पीछे पवह नाला है उस नाव पे एक नाविक था, दुराचारी था। जितने भी नर नारी आते थे लूटता रहता था। माँ को देखा नहीं गया। माँ तीन रूप में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में नदी के छोर पे बैठी और कहीं हे नाविक तुम मुझे उस पार कर दो। लेकिन उसके अंदर मनोभावना दूषित हुआ और माँ के सुंदर आभूषणों को छीनने का प्रयास किया। माँ ने उसको छुआ और उठा करके पटक दिया। नाव पर ही वह नाविक पाषाण हो गया और अभिशप्त होते हुए भी पूज्यमान हो गया, जो कि माँ के विग्रह के ठीक उत्तर साइड में उसका भी विग्रह रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है। इस तरह से मातेश्वरी भक्तों का आना जाना शुरू हुआ और आज मातेश्वरी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से लोग नेपाल राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र और हमारे दो तीन मंडलों के बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल के लोग माँ के दरबार में पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। 5 मंगलवार जो माँ के दरबार में आया, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं और लाखों लोग चुदरी नारियल माँ के दरबार में चढ़ाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? मान्यताएं हैं जो मैंने बताया कि अगर कोई भी कामना भक्तगण लेकर के आते हैं तो 5 मंगलवार कंटिन्यूअस माँ के दरबार में आना है और उस माध्यम से माँ को नरियल चुदरी चढ़ाते हैं। चढ़ा करके उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर
हर खबर पर।